जमीनें बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरकार हाय 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 हाय। काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काले कानून हाय 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 हाय। काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काले कानून वापस लो, वापस कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। तारीखों की सरकार किसान विरोधी कानून वापस लो, वापस लो। जहाँ तक आज के इस डिमॉन्स्ट्रेशन का ताल्लुक है, ये आज किसान तहरीक ने ऑल इंडिया लेवल पर किसानों की मांगों के हक में सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के मौके पर ये मनवाने का फैसला किया है। हम उसी तहरीक के हिस्सेदार हैं और यहां जम्मू में ये आवाज भी शामिल है मुल्क के किसानों के साथ, जो आज मांग कर रहे हैं जो काले कानून पास किए इस सरकार ने किसानों के बारे में पार्लियामेंट में, और गलत तरीके कार इख्तियार करके उनको वापस लिया जाना चाहिए किसानों को बचाने के लिए, किसानों की रोजी रोटी को बचाने के लिए। और हमारा ये मानना है, किसान है तो देश है, खेती है तो हम सब है। रोटी के बगैर कोई शख्स जिंदा रह नहीं सकता, और रोटी बनाने वाला इस कुदरत के बड़े कारखाने में वो किसान है, अन्नदाता है। और अगर अन्नदाता की कमर टूट जाए, देश कमजोर होगा, समाज कमजोर होगा, मुल्क कमजोर होगा। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, जम्मू कश्मीर किसान तारीख जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 जम्मू कश्मीर किसान तारीख जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम जो पूरे ऑल ओवर इंडिया हिंदुस्तान के अंदर जो किसानों के खिलाफ जो तीन बिल मोदी सरकार ने पास किए हैं, हम चाहते हैं वो तीनों बिल किसान जो है मोदी सरकार वापस ले। और जब तक किसान के तीनों बिल सरकार वापस नहीं लेगी, तब तक ये संघर्ष जो है ये जारी रहेगा पूरे हिंदुस्तान के अंदर। हमें हमारा नारा है, किसान जीतेगा हिंदुस्तान जीतेगा। और ये हमने हम ये जंग जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसानों की नहीं है, ये कंज्यूमर की भी है। हम सब कंज्यूमर भी हैं और किसान भी हैं। और हमारा ये कहना है कि किसानों के खिलाफ जो तीनों बिल जो 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 डिमांड किसान करता है कि डॉक्टर स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करो, उसकी तरफ तो ध्यान नहीं है सरकार का। अरे उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट दे दिया कि हम इसको स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू नहीं कर सकते। और जो डिमांड किसान नहीं करता है, उसके ऊपर लागू करने की कोशिश कर रहे हैं तीनों बिल। हमारा ये कहना है कि तीनों बिल किसान जो है सरकार जो है मोदी सरकार वापस ले। जैसा आपको मालूम है कि आज पूरे देश में किसान सड़कों पर है। पिछले दो महीने से दिल्ली के बॉर्डरों पर किसान एहतजाज कर रहे हैं। 60 के करीब हमारे किसान भाई ने अपनी जानें दी है। वो इस वजह से दी है कि मोदी ने कोरोना काल में का फायदा उठाकर जो काले कानून पास किए हैं, तीन काले कानून पास किए हैं पार्लियामेंट में, उनके खिलाफ एहतजाज है। जब तक वो काले कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, तब तक ये एहतजाज जारी रहेगा।